गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 11:25 निफ्टी स्पॉट चल रहा है 18,388। क्या हुआ, कल तो झटका आया था, गैप डाउन भी खुला था, फिर से ऊपर क्यों आ गया? 18,200 तक भी तो गया नहीं, लो क्या था 18,268 निफ्टी स्पॉट में। अब क्या होगा बोलता हूं, फिर से 18,400 और 450 के बीच में रेजिस्टेंस जोन है। इधर से अगर सेल आई तो फिर से नीचे, अगर 18,450 तोड़ के ऊपर क्लोज देने लगा तो ये जाएगा और ऊपर। हुआ तो आज के लिए एक चीज बोल दे रहे हैं, जब तक स्पॉट में 18,290 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट बियर के ग्रिप में परमानेंटली आने वाला नहीं है। और अगर 18,450 के बीच में फंसा तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस शुड बी कितना, 18,480 निफ्टी स्पॉट। ओके, समझ गए? ऊपर में कहां फंस सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है, और नीचे क्या टूटने से बियर ग्रिप में आएगी या तो नहीं। और अभी जब तक 18,290 नीचे नहीं टूटता है मार्केट पूरी तरह बियर के ग्रिप में आएगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर से शॉर्ट आ सकती है अगर 18,450 तोड़ के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया तो। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? आज के लिए इतना ही, कुछ कर सकते हो तो कर लेना। थैंक यू।